ओम नमः श्रीदेव्या जय श्री महावीराय नमः जय श्री परंपराचार्य गुरुवे नमः जय श्री स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष नेता भेतारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वन्दे ततगुणलम् धैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सत्तं अध्याय में अपन देख रहे थे आश्रव तत्व का अधिकार जिसमें कल अपन ने देखा था गुणव्रतों के बारे में गुणव्रत में दिग्व्रत और देश व्रत के बारे में जाना था और कल अनर्थदंड की कुछ बातें कही थी कि हम लोग किस प्रकार से अनर्थदंड करते हैं और उसका त्याग करना ही अनर्थदंड व्रत कहलाता है हम इस सूत्र के बारे में और अच्छे से समझेंगे इसके पहले जो यह सूत्र है गुणव्रत और शिक्षा व्रत का इसका एक बार बोर्ड के माध्यम से अवलोकन करते हैं और फिर आगे समझते हैं सप्तम अध्याय का सूत्र नंबर इक्कीसवा देशा नर्थ दंड सामायिक भोग परिभोग तिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य दिग दिग्विरति देश विरति और अनर्थ दंड विरति इस प्रकार से तीन गुणव्रत हैं सामायिक प्रोजोवाशोक उपभोग परिभोग परिमाण अथथि संविभाग ये जो चार व्रत हैं ये शिक्षा व्रत हैं इनसे संपन्न जो है अनुवृत्ति होता है अभी तक अपन ने दिग्वि और देशव्रति को समझा आज ये अनर्थ दंड विरति के बारे में समझते हैं मन बचन और काय की पाप क्रियाओं में निष्प्रयोजन जो प्रवृत्ति है उसे अनर्थ दंड कहते हैं और ऐसी पाप क्रियाओं को छोड़ने का नाम अनर्थ दंड व्रत है व्रत मतलब विरति मतलब त्याग अनर्थ दंड का त्याग तो बन जाएगा अनर्थ दंड व्रत और जब हम त्याग नहीं करेंगे तो ये क्या अनर्थ दंड? दंड मतलब यहाँ पर क्या है मन वचन काय तो मन वचन काय का जो है कार्य करना पाप क्रियाओं में लगाना निष्प्रयोजन ही जो कोई प्रयोजनवान भी नहीं है जो प्रयोजनवान भी नहीं है फिर भी आप उसको प्रवृत्ति में लगाते हैं तो आचार्य से अनर्दंड कहते हैं अब वो अनर्दंड जो हैं कौन कौन से होते हैं तो शास्त्रों में आचार्य समन्त स्वामी ने श्राप का श्रावकाचार में पांच प्रकार के अनर्थ दंड कहे हैं पाप उपदेश पहला दूसरा हिंसा दान तीसरा अपद ध्यान चौथा दुःश्रुति और पांचवा प्रमाद चर्या ये पांच प्रकार के जो हैं अनर्थ दंड कहलाते हैं और इन पांच प्रकार के अनर्थ दंड का त्याग करने का नाम अनर्थ दंड व्रत कहलाता है जो श्रावक है जिसने पांच अणुव्रतों को धारण किया है और गुण व्रत में जो दिग्व्रत और देश व्रत धारण कर लिए हैं देखिए दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की मर्यादा बनाई थी कि इससे आगे नहीं जाएंगे और देश व्रत में प्रतिदिन की मर्यादा बनाई थी और अब उसमें भी देश व्रत के अंदर भी मैं निष्प्रयोजन पाप की प्रवृत्ति नहीं करूँगा तो इस प्रकार से उसके अंदर भी अपने आप को और संयम में लाना कि मैं किसी प्रकार का कि जब प्रयोजन नहीं होगा मेरा किसी प्रकार का तो मैं क्यों पाप की प्रवृत्ति में लगूंगा तो पाप की प्रवृत्ति पांच प्रकार की यहाँ पर आचार्यताई है जिसको हमें त्याग देना चाहिए जैसे पाप उपदेश पाप उपदेश का मतलब क्या है हम किसी को भी पाप करने का उपदेश दें जो हमारा प्रयोजन नहीं है जिसमें हमारा कोई कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है कोई आत्मकल्याण इसमें अपना नहीं हो रहा है लेकिन लोगों को उपदेश देना बैठे हुए हैं फालतू बैठे हुए हैं तो भाई क्या कर रहे हो क्या चल रहा है आजकल कुछ नहीं अरे ये कर लो वो कर लो बढ़िया अच्छी फसल कर लो खेती कर लो और खेती में ये केमिकल डालना खाद डालना जिससे इस प्रकार से यूरिया डालना और कीटनाशक दवाई डालना जिससे फसल अच्छी आएगी नुकसान नहीं होगा तो इस प्रकार से क्या है ये पाप का उपदेश है पशुपालन पशुओं का पालन करो पशुओं के पशुओं के जो बेचो व्यापार करो और आदि अनेक प्रकार के फैक्ट्री लगा लो ये वाली दुकान खोल लो ऐसा काम कर लो देखो कोई भी काम करेंगे उद्योग जो भी होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आरंभ सारम तो होगा उद्योग बिना आरंभ सारम के हो ही नहीं सकता है कोई व्यक्ति व्यापार करे और उसमें आरंभ सारम ना हो जीव आदि हिंसा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है देखो आप अपने जीव का जीवन के लिए जो कृषि आदि करते हैं उसकी बात यहाँ आचार्य भवन नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो तो आपका प्रयोजन भूत है क्योंकि तो वो अपना परिवार पालन करना है जीव का जीवन जीना है लेकिन यहाँ बात कह रहे हैं कि आप कर तो रहे हो लेकिन पाप का उपदेश क्यों दे रहे हो किस बात से आप पाप का उपदेश दे रहे हो तो आपको पाप का उपदेश देना बिल्कुल भी नहीं है जैसे अब अणुव्रत्ति हो चुके हैं आपने गुणव्रत भी ले लिया है और कोई सलाह लेने आता है तो आप उसके लिए जो हिंसक परक कार्य हैं उन कार्य की आप अनुमति दे देते हो जिससे पेड़ पौधे बहुत कटते हो, जिससे पानी बहुत नुकसान होता हो अग्नि बहुत जलाई जाती हो पृथ्वी बहुत खोदी जाती हो तो इस प्रकार के ये आपके उपदेश से कितने सारे जीवों की हिंसा होती है एक इंद्रिय जीवों की हिंसा तो होगी ही होगी साथ में त्रस जीवों की भी हिंसा होती है अरे भाई आजकल तो कमाई क्या है आप शराब की दुकान खोल लो ना शराब की फैक्ट्री खोल लो ना उसमें बहुत कमाई है आप गुटके का दुकान खोल लो आप तम्बाकू की दुकान खोल लो नशे की बा, बातें बताना नशे के बारे में व्यापार करने के बारे में बताना उसमें बहुत कमाई होती है बहुत पैसा आता है जिस प्रकार से किसका उपदेश है ये पाप का उपदेश है न मन से न बचन से न काय से पाप का उपदेश न मन से में सोचना ऐसा बोलने के लिए न बचन से कहना और न काय से इस प्रकार की प्रवृत्ति करना न करवाना इस प्रकार ध्यान रखना है हमें हिंसा से बचना है हम तो अपने आत्मा को जानने के लिए इन व्रतों को धारण कर रहे थे जितनी निष्प्रयोजन प्रवृत्ति है उसे हटा देना चाहिए तो इस प्रकार से ये पाप उपदेश नाम का ये अनर्थ आचार्य ने इस कहा पाप उपदेश भी आचार्यों ने इसके भी विभाग किए हैं चार प्रकार से क्लेश वाणिज्य त्रियज्ञ वाणिज्य वधक उपदेश और आरंभ उपदेश इस प्रकार से चार भेद समझना क्लेश वाणिज्य में बताया है कि उपदेश ऐसा देना कि देखो इस देश में दास और दासियां जो हैं उनको आप खरीद करोगे बेचोगे तो बहुत लाभ मिलेगा तो इस प्रकार से एक क्लेश नाम का जिसमें जो दास दासियों को बहुत क्लेश होता है तो ऐसा वाणिज्य करना ऐसा उपदेश देना वो क्लेश वाणिज्य कहलाता है त्रियक वाणिज्य में क्या है आप इस देश में गाय भैंस बकरी आदि को बेचो यहाँ से खरीदो तो जानवरों आदि का व्यापार के बारे में बताना वो त्रियज वाणिज्य का उपदेश है और बधक उपदेश है कि इस पहाड़ में इस पर्वत में बहुत जानवर हैं बहुत पक्षी हैं यहाँ पर पक्षी पकड़े जा सकते हैं यहाँ शिकार अच्छा हो सकता है यहाँ जानवर अच्छे मिल जाएंगे तो इस प्रकार से बधक जहाँ जीव को मारने का उपदेश देना ये बधक उपदेश कहलाता है और आरंभ उपदेश यह है कि यहाँ पर खेती करो यहाँ की भूमि उपजाऊ है यहाँ पर जल अच्छा है यहाँ की वायु अच्छी है, तो इस प्रकार से यहां पे बहुत अच्छी फसल हो सकती है यहाँ फैक्ट्री लगाओगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा बिजली पानी लाइट सरकार व्यवस्था सब अच्छी मिल जाएगी तो इस प्रकार से आरंभ संबंधी कार्य करने का उपदेश देना तो ये चार प्रकार का जो उपदेश है निष्प्रयोजन जहाँ तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध भी नहीं हो रहा है पर बे मतलब के फालतू बैठे हुए हैं टाइम पास कर रहे हैं पापों का बंद कर रहे हैं पाप का उपदेश देकर के तो ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है और इसका त्याग करना हमें चाहिए नमोस्तु आचार्य श्री किसी को मिथ्यात्व की क्रिया में लगाना क्या पापोपदेश है किसी को श्रेष्ठ धर्म से हटा करके के में लगाना मिथ्यात की क्रिया बताना और उसको उस मिथ्यात में बिठा देना ये पाप नहीं ये महापाप का उपदेश है कोई भी श्रेष्ठ धर्म का पालन कर रहा हो और उसको श्रेष्ठ धर्म से गिरा करके के में लगाना ये तो अनर्थ दंड क्या ये तो बहुत बड़ा अनर्थ दंड हुआ संसार में लोग अपने अपने कर्मों के कारण दुखी रहते हैं और यदि हम उनको सम्यक मार्ग न दिखा करके मिथ्या मार्ग बताते हैं मिथ्या आचरण करवाते हैं अपने उपदेश के माध्यम से तो ये पाप उपदेश है इसमें आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है लेकिन उसको मिथ्यात्म लगा करके उसको अनंत दुखी करना होता है और भी अनेक प्रकार के पाप उपदेश हो सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा हो रोज दर्शन पूजा पाठ कर रहा हो और उसको उपदेश देना कि क्या बात है क्यों मंदिर जाता है क्या मिलता तुझे मंदिर जाने से क्या कोई भगवान कुछ तुझे दे देंगे क्या इस प्रकार से कुछ नहीं होता मंदिर जाना अपने खाओ पियो मौज मस्ती करो ये क्या है ये पाप का उपदेश है कोई व्यक्ति बैराग उसको हो गया और दीक्षा के लिए अग्रसर हो रहा है और उसको दीक्षा नहीं लेने देना उसको इस प्रकार का समझाना उसको इस प्रकार का उपदेश देना देखो भैया क्या रखा है दीक्षा लेने में जिन लोगों ने दीक्षा ली है देखो उनके क्या हाल हैं कोई आहार को नहीं पूछता कोई विहार को नहीं पूछता है और जिसको ज्ञान नहीं है उसे तो और भी कोई नहीं पूछता है तो तो दीक्षा लेने में कहीं जो है जीवन बर्बाद ना हो जाए तो इस प्रकार से देखो उनने ऐसा कर दिया उनने ऐसा कर दिया उन साधु का ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसे भ्रष्ट हो गए वे हो गए इस प्रकार का कुपदेश दे करके जो दीक्षार्थी है या दीक्षा लेने के लिए सोच रहा है या घर छोड़ना चाहता है उसको भी श्रेष्ठ मार्ग से अपने उपदेश से विचलित करना ये भी एक महापाप होता है अपने उपदेश के माध्यम से किसी व्यक्ति को अच्छे आचरण को छुबा करके जो बुरे आचरण हैं उसमें लगवाना कोई व्यक्ति है मान लो शराब नहीं पीता है नशा पत्ती आदि नहीं करता है लेकिन तुम उसको उपदेश के माध्यम से क्या करो उसको गलत मार्ग में लगवा दो लगा दो तो ये भी जो है पाप का उपदेश है ये सिर्फ अपना ही अकल्याण नहीं कर रहा है दूसरे का भी अकल्याण कर रहा है ऐसा उपदेश है क्योंकि आपकी भी श्रद्धा समाप्त हो रही है और दूसरों की भी श्रद्धा को समाप्त करना ये महापाप का उपदेश है इसे भी अनर्थ दंड समझना बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना जिस उपदेश में संसार बढ़ रहा हो पाप बढ़ रहा हो पाप प्रवृत्ति बढ़ रही हो हमारी भक्ति और दूसरों की भक्ति कम हो रही हो श्रेष्ठ धर्म छूट रहा हो वो सारा का सारा पाप उपदेश कहलाता है क्योंकि तुम्हारे पाप के उद्देश्य से व्यक्ति हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह जोड़ने में लग जाएगा तो पाप ही पाप करेगा इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में किसी को पाप का उपदेश ना दें और इसका तो त्याग ही कर देना चाहिए इस प्रकार से पाप उपदेश अनर्दंड जो है ये ना करना चाहिए इसका त्याग करना चाहिए ये पहला पाप उपदेश अनर्थ दंड है दूसरा आचरण कह रहे हैं हिंसा दान अनर्थ दंड। ये दूसरा अनर्थ दंड है हिंसा का दान हिंसा का दान का मतलब क्या है हिंसोपकरण हिंसा के उपकरणों को किसी को देना ये भी जो है पाप है हम लोग क्या करते हैं किसी कारणवश कोई व्यक्ति यदि हिंसा के उपकरण मंगाने आता है जैसे कोई भील है कोई शिकारी है कोई कशाई है कोई हिंसक आदमी है और उसको हिंसा के उपकरण आवश्यकता पड़ती है तो उसको हिंसा आदि के उपकरण दे देते हैं अस्त्र शस्त्र तलवार दंड आग अग्नि विष जो कुछ भी है इन सामानों को देना इन वस्तुओं को देना दान मतलब गिफ्ट में भी दे देते हैं कभी कभी आप लोग गिफ्ट बांटते हैं तो ऐसे अस्त्र शस्त्र भी गिफ्ट में दे देते हैं तो जिनसे हिंसा होती हो जिससे जीवों की हिंसा होती हो ऐसा हिंसा दान नहीं करना चाहिए अर्थात हिंसोपकरण कभी किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को गिफ्ट आदि में हिंसा जीव देना चाहिए जैसे बिलाव है बिल्ली है कुत्ते आदि हैं ये जानवर आदि हिंसक होते हैं और इन हिंसक जानवरों को भी खरीद करके अपने दोस्त यार परिवार खानदान किसी को भी गिफ्ट आदि करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए और ना ही स्वयं अपन को पालना चाहिए वैसे तो हिंसो उपकरण जो हैं जिससे हिंसा साक्षात होती है ऐसे उपकरण रखना ही नहीं चाहिए अपने जीवन जीने के लिए जो वस्तु आवश्यकता पड़ती है उसे रखें लेकिन उनसे ज़्यादा जिनसे महाहिंसा होती है साक्षात पंचिंद्री जीवों की हिंसा होती है तो उनको अपन को रखना भी नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए तो इस प्रकार से विष है अग्नि है शाकल है दंड है कुल्हाड़ी है फावड़ा है आदि और भी अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनके कार्य करने से नियम से कोई ना कोई जीवों की हिंसा होती ही होती है तो ऐसे हिंसोपकरण जो हैं उन्हें कभी भी दान स्वरूप में भेंट स्वरूप में या कोई मांगने आए तो उसको देना या जो आप जानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत हिंसक है ये तो ऐसा कार्य करेगा ही करेगा उसको देना इस प्रकार से निष्प्रयोजन कार्य है तो आचार्य भवन कहते हैं ये भी एक अनर्थ दंड है इस पाप से भी हमें बिल्कुल बचना चाहिए हिंसा दान अनर्थ दंड ये कार्य छोड़ करके इस का हमें व्रत ले लेना चाहिए तीसरा बताया आचार्य भवन ने अपध ध्यान अनर्दंड जो अपद ध्यान का अर्थ होता है खोटा ध्यान देखिए खोटा ध्यान करने से हमारा ही अकल्याण होता है हमारे स्वभाव की हानि होती है खोटा ध्यान करने से पाप का बंध भी होता है किस किस प्रकार से लोग खोटा ध्यान करते रहते हैं जिस प्रकार हम सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का काम बंद हो जाए सत्यानाश हो जाए इसका जीवन बेकार हो जाए घर बर्बाद हो जाए तो राग द्वेष आदि के बशीभूत होकर के किसी को मारने का छेदने का भेदने का उच्चाटन कराने का यंत्र मंत्र तंत्र कराने का उसका जीवन बर्बाद करने का इस प्रकार से जो खोटा ध्यान करते हैं ये बुरा परिणाम लाते हैं मतलब बुरा सोचना इस प्रकार से बैठे हुए हैं और फालतू सोच रहे हैं कल्पना में जी रहे हैं तुम्हारे सोचने से कुछ होने जाने वाला नहीं है वो सामने वाले व्यक्ति का पाप पुण्य अपना अपना है लेकिन बेमतलब का निष्प्रयोजन ही बैठे बैठे मन में ऐसे अनेक प्रकार के जो ख्याल आते रहते हैं वो ख्याल भी अनर्थ दंड हैं हम पाप के भागी होते हैं और ऐसा अधिकांशतः लोग करते रहते हैं मान लो किसी के पास बहुत पैसा आ गया तो क्यों आ गया कैसे आ गया इस प्रकार से आया है ये तो अहंकार में जी रहा है इसका जब पैसा समाप्त हो जाए हे भगवान मैं तो प्रार्थना करता हूँ ये बिल्कुल सड़क में आ जाए भिकारी हो जाए किसी के यहाँ पुत्र नहीं था तो पुत्र हो गया तो उसका फिर ईर्षा भाव करना और उसका पुत्र समाप्त हो जाए इसका परिवार नष्ट हो जाए ऐसा कितना दुनिया भर के हमारे मन में विचार उत्पन्न होते रहते हैं कभी सरकार को लेकर के तो कभी परिवार को लेकर के कभी समाज को लेकर के कभी रिश्तेदारों को लेकर के तो किसी न किसी विचारों में ख्यालों में खोए रहते हैं और खोटा खोटा ध्यान करते रहते हैं आर्तरो ध्यान करते रहते हैं इन ध्यानों को भी आचार वन कहते हैं अनर्थ दंड हैं हमारे बुरे विचारने से और बुरे सोचने से कभी किसी का बुरा नहीं होता है जब तक सामने वाले का स्वयं ही पाप का उदय ना आए इसलिए हम क्यों बीच में इस प्रकार के विचार ला के खोटे विचारों को ला करके अपनी आत्मा को दुख देते हैं अपनी आत्मा में संकलेश भाव पैदा करते हैं यदि ऐसे विचारों के समय यदि आयु कर्म का बंध बनता है तो नियम से दुर्गति होगी ये बात बिल्कुल ध्यान रखना नरक निगोद और त्रियंश पर्याय के अलावा और कोई दूसरी पर्याय नहीं मिलने वाली है यदि आपके इस प्रकार से विचार मन में चल रहे हैं इन विचारों को आचार्य भगवान ने कहा है अपद ध्यान अनर्थ दंड ये खोटा ध्यान जो है वो अनर्थ दंड है निष्प्रयोजन है इसमें किसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है प्रयोजन मतलब क्या इसमें तुम्हारा कोई आत्मकल्याण तो नहीं हो रहा है कोई आत्मोद्धार तो नहीं हो रहा है कोई पुण्य का बंध भी नहीं बंध रहा है मोक्ष मार्ग भी नहीं सद रहा है परिणामों में विशुद्धि भी नहीं हो रही है और नुकसान ही नुकसान हो रहा है देखो व्यक्ति तो वही है जो अपना फायदा देखे फ़ायदा का मतलब है कि आप आप कितना आप अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कर सकें वो आपके लिए फ़ायदा है लेकिन जब पूरा घाटा ही हो रहा है समय बर्बाद हो रहा है और शरीर भी नष्ट हो रहा है और मन जो है वो असंतुष्ट हो रहा है इस प्रकार से मन वचन और काय तीनों की तीनों खराब हो रहे हैं आत्मा विभाव रूप जा रही है और समय के समाप्त भी हो रहा है हमारा और दूसरा तनाव और टेंशन भी हो रहा है और बीमारी भी हमारे बीच में लग जाएगी नवोस्तु आचार्य श्री परिवार के लिए आजीविका के बारे में सोचना क्या यह भी अपन में आएगा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है गुणव्रत में कह रहे हैं अनर्थ दंड और अनर्थ दंड में क्या है प्रयोजन नहीं है फिर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर अपन में लगाना यहाँ तो आपका प्रयोजन है आप अपना जीव का यापन करना चाह रहे हैं परिवार को चलाना चाह रहे हैं तो ये ध्यान में नहीं है लेकिन यदि प्रयोजन नहीं है किसी के भोगो भोग पदार्थ का हरण करना उसका अपहरण करना उसको चुराना उसको अपना बना लेना जबरदस्ती हमारा बन जाए ऐसा सोचना ऐसा विचार करना ये ध्यान में आएगा चौथा अनर्दंड है दुह श्रुति जो दुह श्रुति जो नाम की अनर्दंड है वो व्यक्ति बहुत करते हैं मतलब खोटी कथाएँ खोटे शास्त्र खोटे वचनों को सुनना तो ये दुश्रुति कहलाती है जैसे कि जो राग वर्धक हों द्वेष वर्धक हों मोह को बढ़ाने वाले हों संसार को बढ़ाने वाली हों ऐसी कथाओं को सुनना सुनाना ऐसी कथाओं को बोलना कहना ये सब दुश्रुति में आती हैं हम लोग इस प्रकार के कार्य करने बैठ जाते हैं कि खोटे बचनों को बोलने लगते हैं खोटी कहानी सुनाने लग जाते हैं और खोटे लेखन को पढ़ने लग जाते हैं तो आचरण कहते हैं ये दुःश्रुति भी जो है वो अनर्थ दंड है इसमें तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है निष्प्रयोजन ही इस कथा को लेके बैठ जाते हैं खेती कैसी करना चाहिए और ये व्यापार कैसे बढ़ाना चाहिए अनेक प्रकार के जो कार्य हैं अरे पुरुषार्थ करने से आपका कार्य सिद्ध होता है लेकिन इसके बारे में चर्चाएं करते रहो कथाएं करते रहो राजनीति की चर्चाएं करते रहो और स्त्रियों की कथाएं करते रहो ये सब जो हैं हमारे परिणामों में दुष्परिणाम प्रकट करते हैं इसलिए आचार्य कहते हैं कि दुहश्रुति नाम का जो दंड है उसका भी त्याग कर देना चाहिए सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत स्वामी ने इसकी परिभाषा करते हुए बताया है कि राग द्वेष आदि भावों को बढ़ाने वाली अज्ञान भाव से भरी हुई दुष्ट कथाओं को सुनना सुनाना बनना बनाना और इनको एकत्र करना सीखना सिखाना आदि जो हैं ये दुहश्रुति कहलाती है और इसका त्याग कर देना दुहश्रुति का त्याग करना ही हमारा अनर्थ दंड व्रत कहलाता है और ऐसी दुस्ृति से हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि इसको सीखने सिखाने से हमें क्या लाभ मिलेगा हम भी पाप की प्रवृत्ति में लगेंगे और सामने वाला भी क्या होगा इसके पाप रूप ही कार्य करेगा तो हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं उसको भी पाप में लगाने में कारण बन रहे हैं अथा ऐसे दुश्रुति नाम के न ना शास्त्र पढ़ना और ना ही कथा कहना और ना ही सुनना इसका त्याग कर देना चाहिए तभी हमारा गुण व्रत में जो तीसरा जो व्रत है अनर्थ दंड व्रत वो हमारे लिए प्रकट हो पाएगा प्रमाद प्रमादचर्या अनर्थ दंड प्रमादचर्या का मतलब होता है जो निष्प्रयोजन ही ऐसी क्रिया करना जिसमें हमें कोई होश हवाश भी नहीं है और हम उस क्रिया को करते रहते हैं जैसे बैठे बैठे पृथ्वी खोदना चटाई तोड़ना और कपड़े फाड़ना पत्ते तोड़ लेना फलपुत्र तोड़ लेना इस प्रकार से पानी को फेंकना बेमतलब को अग्नि जलाना निष्प्रयोजन ही पंखे एसी, कूलर सब ये चलते रहना ये सब क्या है प्रमाद चर्या में है कि जिसका हमें कोई प्रयोजन ही नहीं है फिर भी हम क्या बोलते हैं कि बैठे ठाले ऐसे पाप का कार्य करते रहते हैं घास को निकलवा देना वृक्ष आदि उखड़वा लेना पौधों को तोड़वा देना तो इस प्रकार से पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति इन पांचों प्रकार के जो स्थावर जीव हैं इनको नुकसान पहुंचाना, जिसमें कहीं भी तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है फिर भी निष्प्रयोजन ये कार्य करते रहना और करवाते रहना तो बैठे हैं सड़क में पानी सींच रहे हैं गाड़ी धोने में लग गए हैं घर की धुलाई में लग गए तो इस प्रकार से पानी को बहुत बर्बाद करना कितने जीवों की हिंसा होती है अग्नि जल रही है तो जल ही रही है तो लाइट जल रही है तो जल ही रही है कितने जीवों की हिंसा होती है तो इस प्रकार से हमें पांचों प्रकार के स्थावरों से बचना है और दो इंद्रिय आदि जीवों का भी मेरे द्वारा घात ना हो इस प्रकार से ये प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है यदि आप ऐसा करते हो और आपकी क्रियाओं से यह कार होता है दुःश्रुति में तो सोचने वाला कार्य था लेकिन प्रमादचर्या में चर्या बोल रहे हैं चर्या आचरण तुम्हारा जो आचरण है वो प्रमाद पूर्वक है तुम चलते हो तो बिना देखे चलते हो कुछ कार्य करते हो तो बिना सोचे कार्य करते हो उठाया धर दिया खोद दिया तोड़ दिया और सहसा कार्य करना सहसा रख देना ये सब क्या है वहाँ कोई जीव आदि होते हैं तो उनकी मृत्यु आदि हो जाती है उनका मरण होता उनकी हिंसा हो जाती है तो इस प्रकार से अनर्थ दंड में इस बात का कहा गया है कि प्रमाद पूर्वक है, कार्य जो किए जाते हैं वो भी अनर्थ दंड है ज्ञान से लो मस्तक धरो भारती तो हे जप जो तेरी सरना धरे पावे सुख सबको बहुत मंगल आशीर्वाद सभी को सादर जय जने चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पाँचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं व सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जय जिनेद